अक्षर जलकर खाक हो गई। झाबुआ जिले के राणापुर में रहने वाले युवक पर विदेश में एसिड अटैक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक पर हमला इटली के रोम शहर में हुआ है। हालांकि इस घटना में युवक बाल बाल बच गया, लेकिन आधा दर्जन से अधिक बदमाश उनका महत्वपूर्ण सामान, पासपोर्ट, लैपटॉप और करेंसी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद युवक ने मेट्रो स्टेशन से संबंधित पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर मामले की जानकारी दी और मदद मांगी। मिली जानकारी के अनुसार घटना 26 जून देर शाम की है। भारत के साइबर सिक्योरिटी रिसर्च आईटी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के छात्र हैं। हर्षित अपना रिसर्च पेपर पढ़ने यूरोप गए थे। इटली के रोम और फ्रांस में उनका पेपर प्रेजेंटेशन कर लौट रहा था, तभी रोम मेट्रो स्टेशन पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और एसिड फेंकने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि हर्षित बाल बाल बच गए, लेकिन बदमाश उनका सामान, पासपोर्ट और पैसे लूटने में कामयाब हो गए। हर्षित ने इस दौरान उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि हर्षित की इंडिया की फ्लाइट थी, लेकिन पासपोर्ट न होने के कारण वह प्लेन में सवार नहीं हो सका। घटनाक्रम को लेकर हर्षित अग्रवाल ने भारतीय विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर जानकारी दी है। इस घटना में उनका पूरा परिवार चिंतित है। झाबुआ के मेघनगर रेलवे स्टेशन से घर वापसी होते ही हर्षित को पाकर माँ बाप और परिजन की आंखों में आंसू छलक गए। परिवारजनों ने हर्षित से गले मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्षित की वसंत वापसी पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और इसके साथ साथ में अपने गवर्नमेंट सरकार, इंडियन गवर्नमेंट सरकार को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, मोदी जी का स्पेशली और विदेश मंत्री का। और हर्षित के आने की खुशी में स्थानीय लोग भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ढोल ताशा फूल माला के साथ हर्षित के घर वापसी की खुशी मनाई और भगवा पगड़ी बांधकर हिंदू परंपरा के अनुसार भारतीय पत्रकार संघ और रोटरी क्लब द्वारा हर्षित का स्वागत किया गया। हर्षित के रोम में हुई आपबीती पर पुलिस FIR और पासपोर्ट बताया कि इंडियन एम्बेसी, भारतीय विदेश मंत्रालय, मोदी सरकार के साथ मीडिया का धन्यवाद अर्पित किया। झकनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फॉरेन मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं, इन सभी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी के साथ में जो हमारे एम्बेसी में जो विपन सर है और एम्बेसडर में उन दोनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जब वो सारे पासपोर्ट वगैरह लॉस हुआ था तो उस समय पे सबसे ज्यादा मुझे टेंशन यही था कि यूरोप में हुआ है, पासपोर्ट चला गया है, सारा पैसा चला गया है, तो अब मुझे क्या करना होगा। और ये पूरी सिक्योरिटी कम्युनिटी जिस तरह से आगे आई और उन्होंने ओवास वगैरह जो है जितनी ऑर्गेनाइजेशन से, और इसी के साथ मेरा कुक वहाँ पर, मैं बहुत ज़्यादा उस समय घबरा गया था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि समय का सबसे बड़ी सीमा थी कि अगर आज नहीं हुआ या कल तक इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पहुँचती है तो सैटरडे संडे तो मुझे और अभी वेट करना ही होगा और फिर मंडे को भी जाकर के क्या प्रोसेस होगी नहीं पता है। बट एम्बेसी में उन लोगों ने वहाँ पर 5 बजे क्लोजिंग टाइम होता है, फिर भी 5:30 तक मेरा वेट किया, बिकॉज 2 बजे जाकर के क्रिमिनल रिपोर्ट हुई, एयरपोर्ट पर पूरा एयरलाइन से बात हुआ, मेट्रो स्टेशन से बात हुआ, वहाँ से ट्रेवल करके मुझे जाना था जो कि 70 किलोमीटर से, तो उसके बाद भी वहाँ पर उन सभी ने वेट किया, वहाँ से उन्होंने घर पर कम्युनिकेट किया पूरा। और चीज में एक एम्बेसी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और एम्बेसी के लिए मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर कुछ भी होता है तो एक एम्बेसी एक ऐसी जगह है फॉरेन में हमारी, जहाँ पे हम उसे दूतावास तो कहते हैं लेकिन वो दूतावास नहीं, एक हमारा घर है, वहाँ पे पूरा घर जैसा फील होता है, आपको वो उस तरह से असिस्ट करते हैं। तो एक एम्बेसी, लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि जो लोग वर्क वहाँ पे वो जो करते हैं और जितने इंडियंस वहाँ पे जो फंसते हैं किसी भी दूतावास में, उनको जो वहाँ से वो लोग वापस से लेकर के आते हैं और जो उनका हौसला बांधते हैं उसके